बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन, उनकी वीडियोज़, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाइयों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इशार करते रहा करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके कमेंट्स से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसका मुझे नहीं पता होता या वो न्यूज़ मुझ तक नहीं पहुंची होती, और आपके कमेंट्स से ही मैं नेक्स्ट टॉपिक जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करना होती है वो आपके कमेंट्स से ही लेता हूँ। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये है जी, ये मुझे कहा गया जी मेरी वीडियो के नीचे दो तीन दफ़ा, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, नाम है जी इनका मलक रिजवान अली अमान। मलक रिजवान अली अमान भाई ने कहा जी अल हरम सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें, उसकी क्या पोजीशन है और आरडी में उसका क्या स्टेटस है, और दूसरा उन्होंने पूछा मलक रिजवान अली अमान भाई ने, उन्होंने पूछा जी स्नोबर सिटी का आरडी में क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जी अल हरम सिटी के बारे में, पहले मैं बहुत सी वीडियोज़ बना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि अल हरम सिटी के जो ये अभी करंट पोजीशन चल रही है उसमें जी अल हरम सिटी का टोटल जो एरिया 330.92 कनाल एरिया जो वो अप्रूव्ड एरिया है, उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी उन्होंने अपना जो ज़मीन है उस पर सोसाइटी काफ़ी ब्लॉक्स बना ली हैं, लेकिन जो अप्रूव्ड एरिया उनके पास वो 330.92 कनाल एरिया जो अप्रूव्ड है आरडीए की तरफ से, ये मैं नहीं कह रहा, ये आरडीए की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने टिक की हुई है और साथ में नाम भी लिखा हुआ है कि मलक रिजवान भाई जवान ने मुझे इसके लिए पूछा था। तो इसका जो टोटल एरिया 330.92 कनाल एरिया भाई अप्रूव्ड है, बाकी जो है उसके लिए शायद उन्होंने पेपर सबमिट करवाए होंगे या वो जो मुतलका अदारे हैं उनसे वो अपना वो कर रहे होंगे, किसी ना किसी तरीके से कॉन्टैक्ट हो रहा होगा तो वो भी अप्रूव्ड हो जाएगा। इतना मुझे पता है कि जो 330 कनाल एरिया वो अप्रूव्ड है, बाकी पे उन्होंने काम किया हुआ है, ब्लॉक्स बनाए हुए हैं काफ़ी, लेकिन वो अप्रूव्ड अभी नहीं है। ये थी अल हरम सिटी। के बाद उन्होंने पूछा है मलक रिजवान अली अमान भाई ने पूछा है कि स्नोबर सिटी के बारे में, तो स्नोबर सिटी का बताता हूँ जी, ये अडयाला रोड पर वाकई है, डेवलप सोसाइटी है, काफ़ी पुरानी सोसाइटी है और आरडीए की तरफ से ये अप्रूव्ड सोसाइटी है, इसका भी ये आरडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो 48 सोसाइटीज़ है जो लीगल चल रही हैं, जो कम्प्लीटली अप्रूव्ड हैं, उनका ये उन्होंने दिया हुआ डाटा सारा, ये मैंने देख लें, ये आरडीए की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने प्रिंट लिए हुए हैं। तो इसमें जनाब 41 नंबर पे जो सोसाइटी है स्नोपर सिटी अडयाला रोड पर वाक़ है, कल्याल गांव है, कलरी कल्याल ये गांव है जी, इसके बाद ये आती है अडयाला रोड पर और ये भी अप्रूव्ड सोसाइटी है। इसका बताता चलूँ जी, रोड्स वगैरह कंप्लीट हो चुकी हैं, इसमें तकरीबन 30% 40% आबादी मकान वगैरह बने हुए हैं और काफ़ी ग्रुप्स में जो कि आज ही देख रहा था, तो एक ग्रुप ने मकान बनाया 5 मरले पे और उन्होंने बड़ा अच्छा बहुत प्यारा मकान बनाया हुआ है, बिल्कुल न्यू फर्निश्ड मकान है, बिल्कुल न्यू, और उन्होंने प्राइस दी हुई है 78 लाख 5 मरले का प्लाट इसी सोसाइटी में, स्नोपर सिटी में, ये अप्रूव्ड सोसाइटी है और एक मकान वगैरह बने हुए हैं, रिहाइशें बनी हुई हैं और काफ़ी मॉल्स वगैरह भी बने हुए हैं इस सोसाइटी में, यानी कि शॉप्स वगैरह वगैरह बनी हुई हैं। तो इस सोसाइटी में घर भी एक कोई ग्रुप है वो बना के तो फॉर सेल के उन्होंने एड्स दिए हुए हैं। ये थी जी स्नोपर सिटी और अल हरम सिटी के बारे में कुछ मालूम जो कि मलक रिजवान अली अमान भाई ने मुझे कहा था। तो ये काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, सॉरी जी लेट मैं हो गया हूँ, क्योंकि बहुत सी दूसरी लोगों की डिमांड्स थी जो कि आपसे पहले लोगों ने कहा हुआ था तो वो मैं साथ साथ शेयर करता रहा हूँ, तो जो आपने कहा था वो आज आपका नंबर आ गया, तो इंशाल्लाह इसी तरह मुझे पूछते रहे, तो इंशाल्लाह जितना डाटा मेरे पास होगा मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी,
इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें, अल्लाह आप सबके रिज़्क रोज़ी में इजाफा करे, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफ़िज़।